हीट वेव का अंतर, इस बार गर्मी भयंकर, भयानक गर्मी में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा लोगों की मौत अब हो चुकी है। और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 44 लोग हीट वेव की वजह से दम तोड़ चुके हैं। यह अहम जानकारी उधर दिल्ली के सफदरजंग, LNJP और RML जैसे बड़े दिल्ली के जो अस्पताल है वहां बाकी हॉस्पिटल में कुल 31 लोगों की मौत हो चुकी है। यह अलग अलग राज्यों में मरने वालों का आंकड़ा है। बीते 48 घंटे की अगर हम बात कर ले तो मौत के आंकड़े इतनी तेजी के साथ बढ़े हैं कि कोरोना काल के बाद लोगों में अब दहशत दिखाई दे रही है। गर्मी से मौत की खबरों ने हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली के RML अस्पताल में हीट वेव के वजह से मरीजों के इलाज के लिए अब एक खास यूनिट बना दी गई है। उत्तर प्रदेश में हीट वेव से 44 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी कोहराम मचा हुआ है। यह कहा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद मौत का आंकड़ा भी इसी वक्त इतना ज्यादा बढ़ा है। RML अस्पताल के हीट स्ट्रोक वार्ड में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं कि ये पूरे वार्ड को इस तरीके से तैयार किया गया है। ये जो टब्स आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्फ डालकर सीधा कूलिंग थेरेपी जो है वो दी जाती है और ये सीधा पेशेंट्स को यहाँ पर लेकर आया जाता है। ये एक थेरेपी रूम की तरह है जहाँ पर जो सीधा हीट स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि उनको जल्द से जल्द उनकी बॉडी की जो गर्मी है उनको निकाला जाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ से बर्फ आपको अंदर दिख रही है। ये बर्फ यहाँ पर डाली जाती है पानी के साथ, पानी में भी बर्फ यहाँ पर डली हुई आप देख रहे हैं। यहाँ पर पेशेंट्स को डिप कराया जाता है और यहाँ पर फिलहाल भी जो पेशेंट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। एक पेशेंट भी यहाँ पर है, उनके तीमारदार भी यहाँ पर है। सर क्या हुआ था सर को? तो गर्मी की लू ज्यादा लग गई थी, उससे टेम्परेचर 108 हो गया था। हाँ। और टेम्परेचर होने से भी BP लो हो गया। हाँ। फिर यहाँ लाए तो उन्होंने कंट्रोल किया, काफी फर्क पड़ा। तो यहाँ पर कंट्रोल करने की ये बात बता रहे हैं और देखें आप किस तरीके से पूरा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। ये बेड्स लगाए गए हैं। तो ये वार्ड जो है इसकी खासियत ये है कि ये कूलिंग थेरेपी देता है। ये एक एक्शन है जो कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स के साथ किया जाता है। यहाँ पर उनको लाकर उनकी बॉडी में कूलिंग की जाती है, जो बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है उसको यहाँ ठंडा किया जाता है और उसके बाद वार्ड में जाकर बाकी के जो इलाज है वो किए जाते हैं। इस बार एक्सट्रीम हीट है और काफ़ी सारे पेशेंट्स हीट इंजरीज को लेके, हीट स्ट्रोक को लेके लोकनायक में आते हैं। हमारे पास अभी 9 पेशेंट एडमिट हैं, 9 पेशेंट्स आर एडमिटेड इन LNJP, जिसमें से 5 पेशेंट थे वेंटिलेटर पे, एक अभी वेंटिलेटर से आज बाहर निकल गया। तो आज 4 पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पर हैं क्योंकि बहुत सिक हैं, बहुत क्रिटिकल हैं और कुछ पेशेंट्स को तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी है। हमारे पास जो भर्ती हो रहे हैं कुछ तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी लंबा ट्रैवल करके यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे बिहार से एक ट्रैवल का पेशेंट करके आया नॉन AC उसमें कोच में और उसकी वजह से काफ़ी घूमता रहा पूरे दिन दिल्ली में, उसके बाद उसको हीट स्ट्रोक हो गया। सौरभ भारद्वाज ने मदन मोहन मालवीय अस्पताल का अचानक दौरा किया, अस्पताल की तैयारी का जायजा भी लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज मालवीय नगर के मदन मोहन मालवीय अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। दरअसल दिल्ली में हीटवेव के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कई अस्पतालों में मौत भी रिपोर्ट हुई है। सर आप यहाँ औचक निरीक्षण के लिए आए हैं, क्या आपने यहाँ पर पाया और क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं हीट वेव के मरीजों के लिए? देखिए मैंने यही जो CMO ड्यूटी पे थे उनसे जानना चाहा कि अगर कोई हीट वेव से ग्रसित कोई मरीज आता है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या है। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, IV फ्लूइड्स वगैरह हैं, जो दवाइयाँ ज़रूरी हैं वो उपलब्ध हैं, जो आइस पैक्स की ज़रूरत होती है ताकि टेम्परेचर को तुरंत नीचे लाया जा सके वो मैंने खुद चेक किए, वो आइस पैक्स भी हैं, ठंडे हैं। और इसके बाद यहाँ से मैनेज करने के बाद पेशेंट को ये ऊपर जो है वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से और अस्पतालों के अंदर भी निरीक्षण करेंगे और अगर कहीं कमियाँ पाई जाएंगी तो उसको सुधारा जाएगा। भयानक गर्मी के बीच एक दिन पहले दिल्ली के बड़े शमशान घाटों में से एक निगम बोध घाट में कोरोना काल के बाद सबसे ज्यादा शवों का दाह संस्कार हुआ है। कल रात 12 बजे तक वहां 142 शवों का दाह संस्कार किया गया। इसके पहले 22 अप्रैल 2021 को जब कोरोना का आतंक सबसे ज्यादा था उस वक्त निगम बोध घाट में 253 शवों का अंतिम संस्कार हुआ था। अब आशंका यही जताई जा रही है कि इन लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई है।
बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कोरोना काल के बाद सबसे ज्यादा मौत इसी गर्मी की वजह से हो रही है। आशंका यही जताई जा रही है कि शमशान घाटों पर ये जो शवों की संख्या अचानक से बढ़ गई है उसके पीछे हीट वेव एक बड़ा कारण हो सकता है। कल रात 12 बजे तक 142 शवों का दाह संस्कार दिल्ली में किया गया। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा दाह संस्कार हुए, क्या है आंकड़ा अगर आप बता पाए? कल रात को 12, क्योंकि हमारे यहाँ 24 आवर सर्विस है, तो कल रात को 12 बजे तक 142 शवों का संस्कार हुआ, जिसमें 22 CNG में हुए और बाकी लकड़ी से हुआ, जो कि सर्वाधिक है। कोरोना टाइम में भी जब हमने यहाँ कोरोना हुआ तो 252-53 का हाईएस्ट था, ये जो हुआ है 142, तो अभी 19 तारीख ही है, अभी तो मई जून महीने के अंदर काफ़ी टाइम है, लेकिन पिछले साल जून में 200 कुछ हुआ था ये, तो अभी इसको लगता है कि जिस हिसाब से गर्मी चल रही है, प्रचंड गर्मी चल रही है, तो लगता है कि ये शायद बढ़ सकता है। इसका क्या कारण लग रहा है, क्या आप कॉज ऑफ डेथ लिखते हैं या क्या आपको लग रहा है कि ये असामान्य क्यों है, क्योंकि ऐसा हर दिन का आंकड़ा ऐसा नहीं होता होगा मेरे ख्याल में? नहीं, जैसे कि पिछले दिनों कोरोना के कारण हुआ था तो उसमें कारण था कोरोना, अब जैसे कि हमारे यहाँ सर्दियों के अंदर जब भयंकर सर्दी होती है तो उसमें भी इतना आंकड़ा नहीं होता, तो कारण स्पष्ट है कि भयंकर जो गर्मी पड़ रही है वो बुजुर्ग आदमी या जवान आदमी या कोई भी है वो झेल नहीं पाता। और भाई उत्तर प्रदेश में गर्मी से मौत के आंकड़े अब और भी ज्यादा डराने वाले हैं। दो दिन पहले तक गर्मी से 44 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पूर्व से लेकर पश्चिम तक गर्मी के कहर ने लोगों की सांसें छीन ली है। गर्मी सबसे ज्यादा जानलेवा मिर्जापुर जिले में साबित हुई है, 14 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश में भी यही गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। दहशत में इस वक्त लोग दिखाई दे रहे हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच में सरकार प्रशासन वो भी अब मुस्तैद हो चुका है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवी नराज। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट खबरों के साथ।